बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक लेस को दो जगह लगाने का तरीका। इस एक लेस से हम दो लेस बनाएंगे, अपने डिज़ाइन में हम इसे ऐड करेंगे। आप कोई भी लेस ले सकते हैं, मेरे पास इस डिज़ाइन की लेस है कि हम इसे बआसानी दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और अपने डिज़ाइन में यूज़ करेंगे हम ट्राइंगल और इन डोरी लूप्सिस का। इन दोनों में से हमने एक चूज़ करना है। आप कोई भी एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, डोरी लूप्स ले लें या ट्राइंगल ले लें। तो इन दोनों में से हम एक चीज़ लगाएंगे, आगे चल के हम देखेंगे कि कौन सा हमें सूट कर रहा है। मगर मैंने एहतियातन दोनों चीज़ें ले ली हैं और ये है वो लेस जिसे हम अलग अलग कर देंगे। तो आपने मुकम्मल वीडियो वॉच करनी है, बीच में स्किप नहीं करनी। मैं आपके साथ कुर्ता गला शेयर कर रही हूँ जो कुर्तियों में चलता है या जो कुर्तों में बनता है, वो वाला गला। तो पहले इस लेस को बीच से अलग अलग कर लेंगे। तो मैंने दोनों लेसेस को अलग अलग कर लिए और देखें ये दोनों कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मैंने दो लेसेस ली हैं बट ये एक ही लेस है। इनको दोनों अलग कर लिया है, अब अपने डिज़ाइन में इन्हें हम ऐड करेंगे। तो फिलहाल हम इन्हें साइड कर देंगे और इन दोनों चीज़ों को भी साइड कर देंगे। हमने रेडी करना है गला, तो गला हमने रेडी करना है बुकरम के ऊपर। मैंने इस बार बुकरम ज़्यादा लंबा नहीं लिया क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि हम कुर्ता गला बना रहे हैं तो कुर्तों के जो गले होते हैं वो थोड़ा सा छोटे होते हैं। मैं आपको इस बुकरम की लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी। इसकी लंबाई मैंने ली है 15 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 4.5 इंच। तो पहला निशान हम लगाएंगे इसका 4.25 इंच पर, दूसरा निशान भी इसका 4.25 इंच पर लगाएंगे और इन दोनों निशानों को सीधा कर देंगे। अब एक निशान हम इसका लगाएंगे 4 इंच पर, इसे भी हम सीधा कर देंगे। अब हमने इसे शेप देके एक राउंड शेप देनी है। तो ये हमारा गोल गला रेडी हो गया है। अभी हमने इसको कट नहीं करना, ये हमने इसका सेंटर बना दिया। अब हमने इसकी स्लिट का निशान लगाना है कि हमें कितने इंच पे स्लिट रखनी है। तो मैं इसका निशान लगाऊंगी 14 इंच पर। और अब हमने इसके ऊपर कपड़ा पलटना है तो हम उसका निशान लगाएंगे। हम ज़्यादा चौड़ा निशान नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। तो मैंने गला कट कर दिया है, अब इसे एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे। तो बुकरम को मैंने शेप दे दी है, बीच में से हमने कट करना है। तो हमने बहुत ही कम मिकदार में बुकरम निकालना है, इतना कि बस हमारी जो स्टिचिंग है वो आ जाए। देखिए मैंने कितना कम बुकरम निकाला है। अगर ज़्यादा चौड़ा हम बुकरम बीच से कट करेंगे तो हमारी जो शेप है ये मोटी या पतली हो जाएगी। ऊपर वाला हिस्सा हमारा मोटा हो जाएगा और ये वाली साइड हमारी पतली हो जाएगी। तो इसलिए हमने बहुत ही कम बुकरम निकाला है। तो अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को हमने इस बुकरम के ऊपर फोल्ड करना है। तो हम आसानी के लिए फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। आप UHU भी लगा सकते हैं या निडल में धागा एक तेका डाल के इसको कच्चा भी कर सकते हैं। जो चीज़ आपको आसान लगे आपने वही तरीका इस्तेमाल करना है। मेरे पास फैब्रिक ग्लू है तो मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से इस कपड़े को इसके ऊपर चिपका दूँगी बुकरम के ऊपर। Thank you.
अब इस गले को प्रेस करेंगे, इसकी सिलाइयाँ बिठाएंगे। तो अब इस एक लेस को मैंने दो हिस्सों में तकसीम कर लिया था। अब ये जो दूसरी वाली लेस थी इसके साथ एक्स्ट्रा पीस जुड़ा हुआ था, हम इसे भी नीट कर देंगे। जब हम इसको नीट करेंगे जो सिलाई में मार्जिन जाता है, तो हमारी जो लेस है इस तरह इसकी कटवर शो हो जाएगी, और यही हमें कटवर चाहिए। हमने बिल्कुल इस लेस को इस तरह अलग करना है, ये जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है। तो गले को मैंने प्रेस कर लिया है और ये बिल्कुल नीट हो गया है, जो भी सिलाइयाँ थी वो इसकी दब गई हैं। अब हमने इसकी लेफ्ट वाली साइड पर ये कटवर वाली लेस लगानी है। अब लेस को बहुत ही सेटिंग से कट करेंगे, जिससे हमें सिर्फ एक कटवर चाहिए, बाकी लेस हटा देंगे। तो दोनों साइडों पे मैंने मुख्तलिफ लेस लगा दी है। अब हम इसे आपस में अटैच करेंगे, यानी कि बटन टेक के ज़रिए सेंटर इसका, इसके बीच में हम चेक करेंगे कि हमारे ट्रायंगल ज़्यादा सूट कर रहे हैं या डोरी लूप सूट कर रहे हैं। जो चीज़ हमें अच्छी लगेगी हम वही इसमें लगाएंगे। आपने भी इसी तरह देख लेना है कि क्या चीज़ ज़्यादा बेस्ट लग रही है। तो इन दोनों पट्टियों को आपस में अटैच करने के लिए मैंने रेडी की है बटन टेक पट्टी, जिसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच रखी है और इसकी लंबाई मैंने 11 इंच रखी है। तो पहले हम इन दोनों में से किसी एक चीज़ को बीच में सेट कर रहे थे, ट्रायंगल को या डोरी लुक को, मगर मैंने डिसाइड किया है कि इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल मैं आपको एक साथ बताऊंगी। हम दोनों चीज़ों को इसके बीच में सेट कर रहे हैं। तो इसे सेट करने के लिए हमें सिलाई लगानी होगी लेफ्ट वाली साइड से। अमूमन हम सिलाई स्टार्ट करते हैं अपनी राइट वाली साइड से। जब कोई चीज़ का एडिशन हमें बीच में करना हो तो उसके लिए हमें सिलाई लेफ्ट वाली साइड से स्टार्ट करनी होती है। तो पहले हम लगाएंगे डोरी लूप, फिर हम सेट करेंगे इस ट्रायंगल को, फिर हम लगाएंगे डोरी लूप, तो ये लीजिए डियर डिज़ाइन बनकर हो गया है रेडी। और आप सबने देखा मैंने कितने आसान तरीके से एक लेस को दो जगह लगाने का तरीका आपके साथ शेयर किया। बीच के अंदर मैंने लुक ट्रायंगल इस तरह मैंने इसको सेट कर दिया। आप चाहें तो कोई एक चीज़ भी लगा सकते हैं। दोनों चीज़ें लगाने का मतलब ये था कि आप साथ साथ देख लें कि इसकी क्या लुक बनी है और इस लेस में कितनी सफाई आ रही है। अगर आपके पास लेस ज़्यादा है तो आप इस एक लेस को पूरे में भी घुमा सकते हैं, मगर मैंने दो डिज़ाइन आपके साथ शेयर किए हैं। एक साइड पर कटवर आ जाएगी और एक साइड पर ये वाली कटवर आ जाएगी। तो आपने मुझे बताना है आपको कैसा लगा मेरा आज का आइडिया। मैंने इस लेस को दो जगह लगाया है, बीच में भी इसके मैंने डिज़ाइन दिया है। अब मैंने 3 डिज़ाइन आपके साथ शेयर किए हैं, एक ये वाला डिज़ाइन, दूसरा इस साइड का डिज़ाइन और एक बीच में डिज़ाइन शेयर किया है। जो आपको अच्छा लगे आपने वही वाला डिज़ाइन बनाना है अपने गले के ऊपर, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको कैसा लगा मेरा आज का आइडिया। उम्मीद करूँगी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम को फॉलो करना है, और अपने फैमिली मेम्बर्स ग्रुप्स और अपने फ्रेंड्स में मेरी वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि आपके साथ साथ जो आपके अजीज़ हैं आपके प्यारे हैं वो भी मेरे काम से फ़ायदा उठाएँ। तो मैं आपके साथ मिलूँगी बहुत जल्द एक नई वीडियो एक नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।